हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन को जो जो रैम है वो इंक्रीज कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरा ये मेरा फ़ोन है वन प्लस टेन आर तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट बारह जी रैम था अब मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया है एक्सपैंड बाई ट्वेल्व तो so, इसको मैंने और ट्वेल्व जी से एक्सपेंड कर दिया है तो ये अब हो गया है ट्वेल्व जी बी प्लस ट्वेल्व जी बी सो ये एक्सपेंड कैसे होता है तो अगर जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो कि अगर आपका स्टोरेज ज़्यादा रहेगा आपके फ़ोन का ज़्यादा स्टोरेज का जैसे मेरे केस में टू फिफ्टी सिक्स जी बी इसका स्टोरेज है और मेरा जो एक्चुअल यूसेज है वो अराउंड चालीस जी और साठ जी के आसपास है तो क्या करेगा कि ये स्टोरेज रोम में से इसको अलोकेट कर देगा आपके रैम के लिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी एटी जी मेरा जो है वो स्टोरेज है तो इसमें से समझो कि बारह जी बी ये रैम को दिया है इसने तो एक्चुअल में, में मेरा सिक्सटी से सिक्सटी सिक्स जी बी ही था मेरा स्टोरेज सिक्सटी एट जी बी और बारह जी बी इसने रैम के लिए एलोकेट कर दिया तो ये सिक्सटी एट और बारह हो गया एट्टी जी बी तो ऐसे काम करता है ये अगर मैं इसको यहाँ पर कम कर दूँगा अगर मैं यहाँ से इसको एट जी बी एक्सपेंड करूँगा तो ये चार जी बी अगर मैं यहाँ से फ्री कर दूँगा इसको तो ये मेरा जो स्टोरेज है वो बढ़ के घट के सिक्सटी सेवेंटी सिक्स जी बी हो जाएगा तो ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों तो अगर आपके फ़ोन में भी ये एक्सपेंड करने वाला फ़ीचर है तो आप भी एक्सपेंड कर सकते हो रैम को तो उससे फ़ोन का आपका जो है वो परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है ओके फ्रेंड्स तो यही मैं आपको बताना चाहता था आज की इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच